हम ऐसे ही यहाँ नहीं आए हैं, हमको बुलाया है। और बुलवा करके ये अपमान मत करिए, कृष्ण ने कहा बिन बुलाए बिन बुलाए नयाए बुलाए हैं हम, बुलवा करके ये अपमान मत कीजिए। बिन बुलाए नयाए बुलाए हैं हम, बुलवा करके ये अपमान मत कीजिए। बोले कान्हा न रोको है मेहमान, बात अभिमान की हमसे मत कीजिए। बोले कान्हा न रोको है मेहमान, बात अभिमान की हमसे मत कीजिए। उद्धार करना है, समय आ गया है। याद रखिए, जितने भी बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, आप सुन रहे हैं इस कथा को, भगवान कृष्ण बड़े भैया के बिना कोई काम नहीं कर रहे हैं। हर बार बंदाऊ भैया से पूछ रहे हैं, भैया उद्धार करना है, भैया इशारा कर देते हैं और महाराज वो कार्य हो रहा है। देखिए, सूढ़ पकड़ी पकड़ी बलिदाऊ जी ने दिए भूसा चार जमा, आए कबहू हाथी को आगे पेले कबहू पीछे को ले जा।
हैं, सभा के बीच जिस समय पहुंचे हैं तो चारूड़ और मुष्टिक खड़े हैं। हाथ मिलाने के लिए जब आगे बढ़ाया है चारूड़ और मुष्टिक ने, भगवान ने एक बात कही है, हर बोले संसार में है चतुरों की नीति, और लायक ही से कीजिए बैर विवाह और प्रीति। संसार रूपी अखाड़े में काम और क्रोध से लड़ना है, अर्थात चारूड़ और मुष्टिक से लड़ना है। और जिस समय हाथ मिलाया है उस समय चारूड़ और मुष्टिक ने कहा है कि हमें विश्वास हो गया है कि तुम ईश्वर हो, पर देवताओं का काम बनाने के लिए बालापन दर्शाते हो, कोई बात नहीं, अब विजय मिले भी तो भी मेरी जय है, और अगर हार भी हो जाती है मेरी विजय तब भी है, तुमसे लड़ने में कोई हानि नहीं है। भगवान कृष्ण चारूड़ मुष्टिक बलदाऊ भैया से युद्ध हुआ है, आज उनका भी उद्धार किया, आगे बढ़े हैं। महाराज कंस से कहा है, मामा जी बड़े बड़े राक्षस भेजे लेकिन मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, दिल में जितने अरमान हो हमसे मिटा लीजिए। महाराज कंस देख करके डर गया और एकदम से चिल्लाने लगा, किशोरो वीरो दौड़ो